फर्स्ट मेरा हेयर बैंड ही टूट गया, इसका तो फ्लावर भी निकल गया, अब क्या करूं इसका। हाँ आइडिया, मैं इसका डीआईवाई बना सकती हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि एक डीआईवाई हेयर बैंड कैसे बनाते हैं। ये मेरे ब्रोकन हेयर बैंड से मैं बनाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए अपना कोई भी हेयर बैंड एंड सीजर्स, सेफ्टी सीजर्स होने चाहिए, नहीं है तो मम्मा पापा की हेल्प लेना। एंड यहाँ मैंने कुछ कटआउट्स कर लिए क्योंकि मैं एक किटी कॉर्न हेयर बैंड बनाने वाली हूँ। किटी कॉर्न मतलब किटी प्लस यूनिकॉर्न। तो यहाँ पर वो मैंने कटआउट्स ले लिए ग्लिटर शीट्स के एंड फेविकॉल या डबल साइडेड टेप, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिएगा इन दोनों में से। तो इसको मैंने यूनिकॉर्न हॉर्न का लुक देने के लिए कुछ इस तरह से बना लिया है। तो मैंने रेड लाइन ली थी, कटआउट लिया था एंड देन लाइक इसे ऐसे सर्कुलर वे में ऐसे करके चिपका दिया। ये मैंने ग्लिटर शीट्स लिए हैं एंड यहाँ पर मेरे पास किटी के इयर्स हैं। ये स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें बस इन सारी चीजों को पेस्ट करने की जरूरत है। 2 मिनट का काम लग रहा है, पेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा। तो मैं इसे पेस्ट करूंगी अब। ठीक है, आप चाहे तो फेविक्विक भी ले सकते हैं, लेकिन मम्मा या पापा या किसी बड़े की हेल्प से। तो इयर्स मैं थोड़ा यहाँ पर चिपकाऊंगी लाइक दिस। मैं इसे बॉटम के पार्ट से नहीं चिपकाऊंगी ताकि ज्यादा ग्लिटरी ना हो जाए मेरे हेयर में। सो मैं इसे यहाँ पर स्टिक करूंगी। हॉर्न की बारी आ गई। ओके, सो इसे मैं मिडिल में स्टिक करूंगी। तो अब मैं इसे थोड़ा देर अच्छे से स्टिक होने के लिए रख दूंगी, कम से 5 मिनट्स रख सकते हैं सेटल डाउन होने के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ डबल साइडेड टेप से भी कैसे हम लोग स्टिक कर सकते हैं। बस यहाँ पर ऐसे डबल साइड टेप लगाया एंड देन यहाँ पर इसे ऐसे कर दिया लाइक दिस एंड नाउ दिस इज डन। और ये मेरा हेयर बैंड रेडी हो गया। तो कैसा लगा मेरा ये हेयर बैंड, अच्छा था ना? तो आप भी ऐसे अपने किसी भी हेयर बैंड के साथ DIY कर सकते हैं और ये आप कोई से भी थीम में रख सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलना। बाय।